Hello everyone, today we will solve DAV Public Schools Practice Worksheet. Class 2 का है ये. First one is who said the following? ये किसने कहा है? A. I wish I was rich. कौन बोलता है I wish I was rich? रघु. B. I have never seen such a beautiful gems. मैंने इतना सुंदर gems कभी नहीं देखा. कौन बोलता है? King. They make the room dirty. ये लोग रूम गंदा कर रहे हैं. कौन बोलता है? रश्मि's mother. Arrange the letter टू फॉर्म ए वर्ड. फर्स्ट वन दे रखा है उसका क्या होगा? पुअर. बी का होगा लेजी. सी का होगा केक. डी लाफ. ई फार्मर. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. देयर वर टू शॉप इन द सिटी. ए आएगा. नो वन वेंट टू द स्वीट शॉप. बी. फोर्थ इज राइट डिस्क्राइबिंग वर्ड. डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखना है इसमें. मैंने लिखा है लिटिल गर्ल, बिग नेस्ट, टू एग्स. फिफ्थ इज गिव द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड. कम का केम, कीप का केप्ट, गिव का गेव. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. आई गॉट वंडरफुल गिफ्ट ऑन माई बर्थडे. आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं. मैंने वंडरफुल लिखा है. बी राम वॉज गोइंग ऑन अ ट्रिप टू द हिल्स. दैट बैग इज योर नॉट माइन. उसका है ये क्वेश्चन. सी One of the donkey was ill. 7. Give the meaning of the following words. ये जो words आपको दे रखे हैं इसके meanings लिखना है. First one है not well. Answer is ill. Not happy, sad. Of the same number, equal. 8. Fill in the blanks using help box. ये help box दे रखा है, इसके use करके ये आपको blanks भरने हैं. First one is we must obey our parents. This book is mine. I got it on my birthday. I don't like my tiffin. I want to eat yours. Means ki I got on my birthday. मुझे birthday पे मिला था. मुझे ये tiffin पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा tiffin खाऊंगा. 9. Give one word for the following. एक word लिखना है सबके बारे इस सबका. First one जैसे दे रखा है आपको very nice looking. क्या होगा? Beautiful. Rupees and पैसे, money. The king's daughter. King's daughter कौन होती है? Princess. 10 नंबर गिव द राइमिंग वर्ड्स. आपको राइमिंग वर्ड्स लिखना है. बर्ड, कर्ड, फाउंटेन, माउंटेन, बॉय, जॉय. 11 नंबर इज कंप्लीट द सेंटेंसेस. इसको सेंटेंस को कंप्लीट करना. ए लिटिल गर्ल, ए बिग लायन. यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर लीजिए. लायन का स्पेलिंग क्या होगा? एल आई ओ एन. तो आप इस आई को कट कर लीजिए. 12 राइट मैनी फॉर दीज. मैनीज लिखना है. One mouse, two mice, one tooth, many teeth, one child, many children. 13. Change the number. Fox, foxes, potato, potatoes, boy, boys, cherry, cherries, bench, benches. 14 number is choose the correct word from the basket. यहाँ basket से रखें, इसको आपको correct word चुन करके blanks में लिखना है. First one is B. विल गो फॉर द पिकनिक टुमारो. कल की बात हो रहा, आने वाले कल की बात हो रहा है, इसलिए विल गो. यस्टरडे वॉज ए हॉलीडे. यस्टरडे जो बीत गया उसकी बात हो रही है, तो वॉज. 15 ट्राई टू मेकिंग क्वेश्चन फॉर दीज आंसर्स. आंसर्स आपको दे रखा है, आपको क्वेश्चन फॉर्म कर रखा है. जैसे आंसर क्या दे रखा है? द कैट्स आर स्लीपिंग. हु आर स्लीपिंग? बी द एलिफेंट्स आर बीटिंग द ड्रम्स. हु आर बीटिंग द ड्रम्स? सी टू मंकीज आर रीडिंग बुक्स. हाउ मैनी मंकीज आर रीडिंग बुक्स? डी यहाँ पे ट्री लिखा है, इसको आप करेक्ट करके थ्री कर लीजिएगा. थ्री पिग्स आर सिटिंग इन द क्लास. हाउ मैनी पिग्स सिटिंग इन द क्लास? नेक्स्ट 16 नंबर फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी विच मीन्स द फॉलोइंग. वर्ड्स आपको स्टोरी से ढूंढना है जिसका मीनिंग ये हो. नॉट वेल, इल. एन आउटिंग, ट्रिप. नॉट हैप्पी, सैड. ऑन द नंबर, ऑन द सेम नंबर, इक्वल. यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन में है रीड राइट द फॉलोइंग लाइन्स बाय पुटिंग द फुल स्टॉप एंड कैपिटल लेटर्स. आपको कैपिटल लेटर्स और फुल स्टॉप यूज करके री राइट मतलब फिर से इस सेंटेंस को लिखना है. जैसे देखो यहाँ पे राम जो है वो नाम है, इसलिए कैपिटल आर आएगा. एंड द डंकी रीच शिमला. शिमला में एस जो है कैपिटल होगा क्योंकि जगह का नाम है. फिर सेंटेंस खत्म हो रहा तो यहाँ फुल स्टॉप लगेगा. ही सोल्ड हिज गुड्स देयर. वो अपना सामान वहाँ बेचता है, तो फुल स्टॉप के बाद वाला जो वर्ड आता है
वो कैपिटल आता है, तो ये एच कैपिटल होगा। यहाँ पे देयर के बाद सेंटेंस खत्म हो रहा है, इससे फुल स्टॉप। नेक्स्ट डे दे केम बैक, यहाँ पे जो फुल स्टॉप के बाद आएगा वो कैपिटल आएगा एन, और लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा।